जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SSB क्रैक एग्जाम्स में। आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी जिनकी कहानियां एवरग्रीन हैं, जिनकी युद्ध शैली आम नहीं है। इनके हीरोइज्म के आगे ईस्ट इंडिया कंपनी के धुरंधरों के पसीने छूट गए। तब से लेकर आज तक इनके जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ है। हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के गोरखा राइफल्स के बारे में। वंस Sam Manekshaw said, "If a man says he is not afraid of dying, he is either lying or he is a Gorkha." Gorkha rifle, भारतीय सेना की decorated infantry regiments में से एक है। अपने साहस और जिंदा दिली के लिए जाने जाने वाली regiment की कहानियाँ सदियों से मशहूर हैं। अगर इतिहास के पन्ने पलटकर देखें, तो गोरखा पहले भारत का हिस्सा थे, लेकिन अब गोरखा नेपाल के अलग-अलग जिलों से आते हैं। गोरखालियों को ब्रिटिशर्स मार्शल रेस के नाम से पुकारते हैं। उनके हिसाब से गोरखाली नेचुरली बाय बर्थ वॉरियर्स होते हैं। कॉम्पिटेंट, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, एजाइल, क्विक रिस्पॉन्डर्स और साथ में किसी भी कंडीशन में दुश्मनों को ध्वस्त करने में सक्षम होते हैं। हमने गोरखा रेजिमेंट के योगदान भारत की मशहूर लड़ाइयों में भी देखा है। इंडो पाक वॉर 1965 and 71, 1962 इंडो चाइना वॉर एंड 1999 कारगिल वॉर। साथ में ही श्रीलंकन पीस कीपिंग मिशंस में भी हमने गोरखा रेजिमेंट का योगदान देखा है। गोरखा रेजिमेंट में कुल 7 रेजिमेंट शामिल हैं, जिसमें 1 गोरखा राइफल, 3 गोरखा राइफल, 4 गोरखा राइफल, 5 गोरखा राइफल, 8 गोरखा राइफल, 9 गोरखा राइफल, 11 गोरखा राइफल शामिल हैं। ये 7 रेजिमेंट्स टोटल 39 बटालियन से मिलकर बनी हैं। इन सभी रेजिमेंट्स को कलेक्टिवली गोरखा ब्रिगेड कहते हैं। Come, let's talk about these 7 regiments. 1 Gorkha Rifle. ये regiment 5 battalion से मिलके बनी है। ये 1815 में as part of British Army establish की गई थी। Independence के बाद ये regiment Indian Army का हिस्सा बन गई। 1961 में 1 Gorkha Rifle के captain गुरबचन सिंह सलारिया को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके कांगो के UN पीसकीपिंग मिशन के वक्त दिखाए गए अद्भुत साहस के लिए मिला था। 3 गोरखा राइफल। ये रेजिमेंट 5 बटालियन से मिलकर बनी है। इस रेजिमेंट का गठन गोरखा वॉर के वक्त 1815 में हुआ था। 4 गोरखा राइफल। इस रेजिमेंट में 5 बटालियंस हैं, जो 1857 में रेज हुई थी। 4 गोरखा राइफल्स ने World War I, World War II और बर्मा कैंपेन जैसे मेजर इवेंट्स में अपना योगदान दिया था। 5 गोरखा राइफल। इस रेजिमेंट में 6 बटालियंस हैं। ये रेजिमेंट 1858 में रेज हुई थी एज 25 नेटिव पंजाब इन्फेंट्री। 1947 के बाद 5 गोरखा राइफल्स ने नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग इंडो पाक वॉर 1965, 1971 और श्रीलंका में होने वाले पीस कीपिंग मिशंस में योगदान दिया। 8 गोरखा राइफल। इस रेजिमेंट में 6 बटालियंस हैं। ये रेजिमेंट 1924 में रेज हुई थी। रेजिमेंट ने World War I, World War II और इंडो चाइना वॉर 1962 में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। 8 गोरखा राइफल मशहूर है देश को फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ देने के लिए। 9 गोरखा राइफल। इस रेजिमेंट में 6 बटालियंस हैं। ये इनिशियली 1817 में रेज हुई थी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडो चाइना वॉर 1962 और डिफरेंट ऑपरेशंस इन अरुणाचल प्रदेश में इस रेजिमेंट ने एक्टिवली पार्ट लिया। 11 गोरखा राइफल। इस रेजिमेंट में 7 बटालियंस हैं। ये यूनिट 1918 में रेज हुई थी। रेजिमेंट ने मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे इंडो पाकिस्तान वॉर 1947, ऑपरेशन पोलो 1948, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, 71 एंड कारगिल वॉर इन 1999 में पार्ट लिया। हमारे फॉर्मर CDS जनरल बिपिन रावत 11 गोरखा राइफल की 5th बटालियन का हिस्सा थे। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस मिलेंगे, जो आपको SSB इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेपाल की पहाड़ियों में पली जाबाजों को जब सेना की कठिन ट्रेनिंग मिलती है, तब जन्म लेते हैं गोरखाली फौलाद। कहते हैं जब दुश्मन गोरखा का सामना करते हैं तो वो कांप उठते हैं।
गोरखा राइफल्स की सभी रेजिमेंट का वॉर क्राय है जय महाकाली आयो गोरखाली, जिसे सुन के दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसे शानदार सैनिक जिनके शौर्य और बल की कोई सीमा नहीं है, जिनके आगे मैदान में उतरने से पहले ही दुश्मन अपने कदम पीछे ले लेते हैं, जिनकी खुकरी और स्टेटमेंट हैट उनकी पहचान है, ऐसे गोरखा राइफल्स भारतीय सेना की शान है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।